प्राजिता, इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पीबी कहा जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम क्लिस्टोरिया होता है जो पैप्लियोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे संस्कृत में गिरिकर्णिका भी कहते हैं, कन्नड़ में शंखपुष्पी और मराठी में गौकर्णिका भी कहते हैं। अब बात करें इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये अपराजिता जैसे इसके नाम से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में इसे कोई भी नहीं जीत सकता। ये स्किन डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फीवर, एलर्जीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके रूट एंड स्टेम का पाउडर बना के इसे मेडिसिनली यूज़ किया जाता है। अब आप देख ही रहे हैं कि मेरे अपराजिता का प्लांट खुद बीमार हो गया है। इसकी लीफ जो है वो येलोइश हो गई है, इसमें फ्लावर्स आए थे जो बड्स में ही झड़ गए। तो जब पत्तियां पीली होती है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसे काफ़ी दिन हो गया, इसमें फर्टिलाइज़र डोज नहीं दिया गया है। तो चलिए आज हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक साल पुराना है और ये काफ़ी लंबा है, हाइट में बहुत बड़ा है। मैं इसके येलोइश पार्ट को सबसे पहले प्रून करूँगी। ये देखिए कैसे सूख चुका है, इसे हम प्रून कर देंगे। ये देखिए मैंने अपराजिता की प्रूनिंग कर ली है। इसके जो डिजीज येलोइश पार्ट है मैंने कट करके बाहर निकाल दिए हैं। मैंने ये कुछ मॉस रोज़ इस पर लगा रखे थे जिसे मैंने उखाड़े हैं, अब इसकी मैं गुड़ाई करूँगी। अब इस पर मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मैं इस पर अरहर के बीज डाल रही हूँ जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और पत्तियों को पीला होने से बचाते हैं। मैंने पाइप के सहारे से इसकी टोपियारी बना दी है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। वाटर आपको कंपोस्ट देने वाले दिन थोड़े कम डालने हैं क्योंकि कंपोस्ट ड्रेनेज होल के द्वारा बह भी सकता है। और अपराजिता फुल सन लविंग प्लांट है तो आप इसे धूप में रखिए और रोज़ पानी दीजिए, यह हमेशा खुश रहेगा। कल मैंने टोपियारी बनाई और आज यह बारिश में गिर गई, तो मैंने बैम्बू का यूज़ कर अपराजिता को क्लाइम किया। आज डे 5 है और देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हैं। बस आपको पीजीसी यानी प्रूनिंग, गुड़ाई एंड कंपोस्टिंग करनी है, कुछ ही दिनों में आपका भी पौधा फूलों से भर जाएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर गार्डनिंग टिप्स। हैप्पी गार्डनिंग।